नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है। चाहे दिल से स्वागत, आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है, जो भी स्टूडेंट जो है ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के अफिलेटेड कॉलेज में जो है LLB 3 ईयर्स या LLB 5 ईयर्स में प्रेजेंट टाइम में जो है आप लोग किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक। चाहे आप लोग रेगुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग बैक का, या आप लोग एग्जेम्प्टेड का, या आप लोग का जो है इंप्रूवमेंट हो, ठीक। सभी इन सभी चीजों से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ ये जानिए आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या जो है ये पॉइंटे है, किस पॉइंटों पर ध्यान देकर के अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम जो है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छे मार्क से, अच्छे परसेंटेज से निकल जाए, ठीक। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये मैं आप लोगों को जो है करीबन 4 से 5 पॉइंट पे बात करूंगा। वो 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रख करके जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर दिए ना ला की, तो आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप लोगों का जो है 65% आप कितना भी जो है गिरे पोजीशन पे आ जाए, कितना भी जो है आप लोग जो है इतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ मेहनत कर ले जा रहे हैं, तब भी आप लोगों का जो है 65% से एबव ही जाएगा, ठीक। नंबर अच्छा आएगा और आप इस पे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे, प्रॉपर कर दिए आप लोग जो है अपना जो है कम से कम 90% दे दिए, तो आपका 70, 75, 80% तक जो है जा सकता है, ठीक। सेमेस्टर एग्जाम में तो इतना लाना है, तो आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना होगा। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे सेकंड हो, चाहे जो है आप लोग जो है फिफ्थ को हो, या सेवन या नाइन हो, या एट हो, या टेन हो, किसी भी सेमेस्टर पे, ठीक। चाहे 3 ईयर्स के हो, चाहे आप लोग 5 ईयर्स के। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी तो करते तो है, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं जान पाते, सही चीजें जो है नहीं जो है आप लोगों को जानकारी मिल पाती है। आप प्रोफेसर जो है प्रोफेसर से पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी जो वहाँ भी जो है सही जो गाइडलाइंस होती है, जो आप लोगों को जो प्रॉपर वे में पकड़ा लेना चाहिए, जो इजी वे में जो है, जो रास्ता जो है आप लोग जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम को निकालने में जो है पूरी तरह जो है उपयोग कर सके और सब लोग कर सके, ये चीज़ जो है नहीं बताया जाता है। बस नॉर्मल पढ़ाया जाता है चीज़ें, सिलेबस को पूरा करवाया जाता है, कवर करवाया जाता है। हाँ, यहाँ इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से बताया जाता है, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें जो है 95% गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अपना सेमेस्टर एग्जाम निकालेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का है, मैं करीब जो है 4 पॉइंट जो है नोट डाउन कर लिया हूँ। पहला पॉइंट है आप लोगों को जो है टाइम, जो समय निकालना, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत लोगों के पास जो है समय नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता, ये जो है कह करके जो है टाल देते हैं कि अभी एग्जाम है नहीं, अभी 1.5 महीना बाकी है, आ जाएगा तब मैं जो है तैयारी करूंगा और कहीं से गाइड ले लूंगा या कुछ ले लूंगा, पढ़ करके जो है सेमेस्टर एग्जाम निकालूंगा। लेकिन अब जो है ला इतना आसान नहीं है। आपको पता होगा BCI का जो न्यू रूल है कि आपको रेगुलर वे में क्लासेस करनी होगी, और भी जो जो है रूल है, करीबन 4 रूल जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था, आप लोग देखे भी होंगे। तो अब जो है ला करके जो है रजिस्ट्रेशन कराना और वकालत करना या जो है आप लोग आगे बढ़ना जो है अब उतना ईजी नहीं है। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब उस जो है पावदान पर जो है पहुंच सकते हैं, उस ऊंचाइयों पर आप लोग जो है अपने आप को रख सकते हैं, ठीक। तो समय, समय की महत्वता को रखते हुए आपको समय करीबन देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं जो है आप लोग जैसे जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो या आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी ला कर लेते हैं, तो आपको कम से कम 4 घंटे, मतलब 4 आवर्स जो है डेली निकालना ही पड़ेगा अपने सेमेस्टर एग्जाम को तैयारी करने में, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा रहता है और इतने ज़्यादा टॉपिक रहते हैं, कैसे कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कम से कम अगर जो है, अगर आप एक स्टूडेंट है प्रॉपर जो है पर्पज आप लोगों का सिर्फ जो है स्टूडेंट ही लाइन है, मतलब कोई बिजनेस कोई जॉब नहीं है, सिर्फ जो है आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, इतने दूर दूर से आकर के जो है अपने अलग अलग सिटी में रह रहे हैं, तो आपको करीबन 6 घंटे डेली देना पड़ेगा, 6 घंटे, ठीक। अब 6 घंटे नहीं दे पा रहे, कम से कम 4 घंटे, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग 4 घंटे कम से कम, नहीं तो अगर 4 घंटे बाय द वे ना हो पाए तो डेली कम से कम 2 घंटे, 2 क्वेश्चन डेली आप लोग जो है तैयार करिए, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन डेली आप लोग जो है उसे पढ़िए, इसके बाद दूसरे दिन रिवाइज करिए, फिर भी आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से निकल जाएगा।
तो समय निकालना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा, और टाइम ही रहेगा तभी आप लोग जो है आगे कुछ कर पाएंगे, बिना समय के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो है ये पहला पॉइंट रखा है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट आप लोगों का है टाइम है, तो आपके पास जो मटेरियल नोट्स ये सब नहीं है, तो यही दूसरा पॉइंट है कि मटेरियल नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आप लोग बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात, आप लोग जो है अपने नोट्स से जो है प्रिपरेशन करिए, आप तैयारी करिए, और आपके पास बुक है या और कुछ भी है तो आप लोग जो है उसमें जो है अपने हिसाब से जो है तैयारी में जुट जाइए। ठीक, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक नहीं हो पाते हैं बेयर एक्ट, लेकिन बेयर एक्ट इसमें काम नहीं आएगा, बुक इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली, इतना ज़्यादा महंगे बुक है, कैसे बच्चा जो है उसे जो है अभी फीस भरा फिर इस पर उसको कैसे ले सकता, बहुत महंगे महंगे बुक है, और इतना ज़्यादा एक्ट, इतना ज़्यादा जो है बुक है, इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है, कैसे ले पाएगा कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को बता दूं जो है ये नोट्स का जो पर्पज, जो मटेरियल ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मेरे पास से मिल जाएगा, ये सुविधा मैंने रखा है, आपको मेरे पास से मिल जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप 3 ईयर्स में हो या 5 ईयर्स में हो, ठीक, किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी का मेरे ऐप पर मिलेगा, मेरे ऐप पर नहीं रहेगा तो आप मुझे जो है 7985535991 पर इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या सेंड करना है, अपना सिलेबस सेंड करिएगा, नोट्स आपको जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है रेडी हो जाएगा, बहुत सी यूनिवर्सिटी का रेडी है, लेकिन अगर आप जो है और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, जहाँ से यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं मेरे पास उनका तो रेडी हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास रिक्वायरमेंट आते हैं उसके हिसाब से मैं नोट्स जो है प्रिपेयर करता हूँ, बनाता हूँ, और एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनाता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बनाता हूँ, ना को आपको ज़्यादा भटकाएंगे, ना तो कभी जो है ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नॉर्मल तरीके से इजी वे में कैसे कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को जो है मेरे पास से मिल जाएगा, अब वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, मेरे ऐप पर मिलेगा, लेकिन और भी चीज़ें हैं, क्या उसको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अगर हाँ पेमेंट थोड़ा बहुत नॉर्मल जो है कॉस्टली मैंने रखा है, अब आप लोग जो है अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग मुझे सिलेबस सेंड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा कॉस्ट जो है पेमेंट नहीं है, बहुत कम है जितना आप लोग जो है दे सकते हैं, डेली आप लोग जो है खर्चा कर देते हैं, तो कम से कम उस पेमेंट को लगाइए, उस चीज़ को लगाइए, एक दिन का खर्चा रोकिए और अपने भविष्य को जो है अच्छे जो है आप लोग जो है प्रकाश में लेके जाइए, अच्छी जगहों पर लेके जाइए, और आगे आपको यही जो है नोट्स आपको जुडिशरी एग्जाम में, AIB एग्जाम में, और भी जो एग्जाम होंगे APO एग्जाम में, हर जगह जो आप LLM करेंगे तभी आप लोगों को बेनिफिट ये देगा, जो मैंने नोट्स जो है प्रिपेयर किया, जो तैयार किया, आपको जो है हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब आप लोग का जो तीसरा पॉइंट है जो है, अब जो नोट्स जो है हो गया, समय की जो है वैल्यू भी, समय हो गया तो समय नहीं जो है, समय था तो नोट्स सही था, ये भी मैंने बता दिया, ये भी क्लियर हो चुका, अब नोट्स है तो पढ़े तो कैसे पढ़े, तो आप सभी लोगों को बता दो जो है उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो है एक बार ओवरव्यू में जो नोट्स है उसको पढ़ लीजिए एक बार, जो कम से कम एक बार, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार पढ़िए, हर सिलेबस का जो नोट्स होगा वो आपको 2 बार जो है कम से कम जो है एक बार जो है आप लोग ऐसे मान से ना पढ़िए, वैसे पढ़ लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए, तब आपको जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से पढ़ाई करिए। अब नेक्स्ट आप लोग जो है पढ़ाई किए, लेकिन जो है उसमें जो है ज़्यादा जो है आप लोग के सिलेबस है और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा, कितना हम पढ़े, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़े हम, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 4-4, 5-5 पेज में लिखना है, कैसे हम करें, ये बात आ जाती है। तो आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों का जो है नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नंबर जो है आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक जो है छांटना होगा। अब ये कैसे मिलेगा, ये जो है आप लोगों को जो है कहाँ से मिलेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैसे आप लोगों को पता लगेगा, तो आप लोगों को बता दूं इसकी भी सुविधा मेरे पास है, जो आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों का जो है वो जो है मेरे ऐप पर आपको जो है मिल जाएगा, top 10, top 5 सब दोनों मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन आता है, 5 करना रहता है तो ये भी मिल जाएगा, आपको 5 भी करना होता है या 7 करना होता है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट वे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी या कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो पूरे भारत में, तो आप मुझे सिलेबस सेंड करेंगे, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा और वहाँ से पढ़ेंगे, मैं 97% 3% नहीं मान सकता, 2% नहीं मान सकता, लेकिन मैं 97%
99% तक जो है गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से निकलेगा। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताता हूँ, जो मैं क्योंकि उसमें मैं रिसर्च करता हूँ, मैं पेपर नहीं बनाता हूँ, मेरे पास नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं उस पर मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्किंग करता हूँ, वहाँ 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस है, कई हज़ार बच्चे जो है निकल चुके हैं और कई हज़ार बच्चे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स सब कुछ जो है ले चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोग जो है पिछड़े हुए हैं, नहीं पता है, नहीं जानकारी है, अभी आप लोग जो है दुविधा में है, तो आप लोग लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सेमेस्टर एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या है कि ये चीज़ सब कुछ होने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ड वर्किंग और टाइम का जो है जो आपको जो है पंचुअल होना पड़ेगा। अब देखिए जो आप लोगों का जो है नेक्स्ट पॉइंट है, जो सब कुछ होने के बाद जो है आप लोग का पांचवा पॉइंट है, मेहनत, हार्ड वर्किंग। अब सब कुछ हो ही गया है फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तो सब कुछ रहने का मतलब ही क्या, सारी सुविधाओं का मतलब क्या, जब आप लोग उस पर जो है काम ही नहीं कर रहे, उस पर हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे, उस पर मेहनत नहीं कर रहे, अपनी जो है अपनी कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप जो है अपना जो है 80% 90% उस पर नहीं दे रहे, तो क्या मतलब सब कुछ जो है इकट्ठा हो जाएगा, मेटेरियल का क्या मतलब, कुछ। तो इसलिए आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को जो है इस सेमेस्टर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इसी दौर में अगर आप मेहनत कर दिए इसी स्टूडेंट लाइफ में, अभी मान लीजिए आप लोग किसी भी सेमेस्टर में तो स्टूडेंट ही है, अगर अगर आप लोग लॉ कंप्लीट करने के बाद फिर मेहनत करना चाहते हैं, फिर आप जुडिशरी ये सब तैयारी करेंगे, तब तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे किसी के पीछे जाते रहेंगे, भागते रहेंगे, ऐसे सब सारी चीज़ें करते रहेंगे, ना तो वकालत कर पाएंगे, ना तो आप जुडिशरी में जा पाएंगे, ना तो आप एपीओ को क्वालिफाई कर पाएंगे, ना तो आप जो है टीचिंग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसी वक्त इसी दौर में मेहनत कर दिए अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इतने कम एज में इतना अच्छे तरीके से जो है चमकेंगे, इतना नाम होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, बड़े से बड़े लोग जो है रिस्पेक्ट करेंगे आप। मैं अपना परिणाम बता रहा हूँ, खुद का, किसी दूसरे का नहीं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी एज 23, लेकिन आज जो है कई हजार लाखों में लोग जान रहे हैं, चाहे किसी भी जो है आप लोग जो है कॉलेज में चले जाएंगे, लखनऊ हुआ या और भी जो यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हैं, तो ऐसा जो है ना हो कि जो है ना कोई जानता जो लास्ट रिलेटेड है, ठीक, या और भी जो सेमेस्टर में कर रहे हैं, और भी कोर्सेस में कर रहे हैं तो जान रहे हैं। तो मैं खुद परिणाम हूँ, मैं खुद देता हूँ एग्जाम्पल अपना। तो इसलिए आप मेहनत करें और अच्छा नाम कमाएं, अच्छा रुतबा कमाएं, अच्छे जो है अपने मम्मी पापा सभी लोगों का जो है सपना जो है पूरा करें, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को त्याग करके जो है उस नींद को जो है त्याग करके उस रातों से आपको जो है लड़ना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस होना है वास्तव में। सक्सेस कई तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल सक्सेस है, इस तरीके का काम तो सबका चलता है, रोजी रोटी सबका चलता है, सब कमाते हैं, सब जीते हैं, लेकिन नहीं जो उन लोगों से हट करके जी रहा है वो सक्सेस होता है, उसे सक्सेस माना जाता है। ठीक, तो यही सब सारी चीजें था, तो आप लोगों का डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है कैसे जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी को राइट करें, लिखे किस तरीके से लिखे कि आप लोगों को नंबर अच्छा मिले, एक सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, जैसे मेरे पास टाइम होता है तुरंत मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा 7985535999 पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, सब कुछ जो है आपको प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे, मेरे ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग जो है बाय कर। ठीक, थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें और आप लोग अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी करें और सब कुछ जो है आप लोगों का अच्छे से हो, बस मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। ठीक, थैंक यू।